सभी को नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए विकृत हथियारों की सबसे कलात्मक फिल्म लाऊंगा। यह सुंदर रियान वास्तव में एक बेहद विकृत व्यक्ति है। वह कला से प्यार करता है और कला के प्रति बेहद जुनूनी है। जब वह छोटा था तो उसे एक घास काटने वाली घास की साफ आवाज पसंद थी और उत्साह। रियान एक दोस्त के घर गया और एक साथ शिकार करने के लिए सहमत हो गया। अचानक एक गोरी महिला सड़क से भाग गई। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी कार टूट गई थी और जैक टूट गया था। वह मदद के लिए रियान से पूछना चाहती थी। अब महिलाओं को पसंद नहीं है और उसने घृणा से इनकार कर दिया। महिला ने रियान को अनिच्छा से देखा, इसलिए उसे रियान को ड्राइव करने और खुद को मरम्मत की दुकान पर ले जाने के लिए कहना पड़ा। रियान के पास कार में उसे जाने देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अप्रत्याशित रूप से यह महिला एक बच्चा थी। जैसे ही वे कार में बैठी, बकबक कर रही थी। वह पहले से ही कार में थी और घृणा की नजर से रियान को देख कर हंसी। वृद्धावस्था में उसका कोई साथी नहीं है, जो शहर की तरह अच्छा नहीं है। वांछित आपराधिक जीवन उत्तेजित है और रियान का दिल उत्तेजित है। जल्द ही उन्होंने जैक की मरम्मत की और उन्होंने वापस चला दिया। जैसे ही वे कार में आए, महिला ने फिर से एक खंजर में बदल दिया, यह कहते हुए कि रियान की कार एक लाश की तरह लग रही थी। वह रियान पर बेतहाशा हंसी और कहा कि रियान वे दिख रहा है, एक कायर और चाकू लेने की भी हिम्मत नहीं रखता। रियान पूरी तरह से चिढ़ गया था। उसने अचानक ब्रेक लगाया और महिला की तरफ देखा। महिला ने आखिरकार बंद कर दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान डर में बदल गई। गुस्से से भरे रियान ने जैक के साथ महिला के सिर को बुरी तरह से पीटा। रियान ने अपने खून से सने हाथों को देखा। यह उसकी पहली हत्या थी। यह अजीब बात है कि न केवल वह डरता था बल्कि उसका दिल संतुष्ट था। उसके पास एक चीख थी। क्या वे एक कलात्मक रचना भी है? रियान को वास्तुकला बहुत पसंद थी। जब यह बहुत छोटा था, उसे अचानक एक बुरा विचार आया था। यह दुनिया में सबसे अनूठा होना चाहिए कि एक के बाद एक शरीर के साथ एक घर बनाना। यह बोलते हुए मेरी अच्छी तरह से सूचित औरत फेंकने जा रहा है। यह विचार वास्तव में विकृति में एक विकृति है। रियान ने अपनी गति तेज कर दी। उसने पहले एक कोल्ड स्टोरेज बनाया, उपकरण तैयार किए और फिर शिकार की तलाश शुरू कर दी। इस बार यह एक बूढ़ा व्यक्ति था। रियान ने वृद्ध व्यक्ति को एक टोकरी घर ले जाते हुए पाया। वह उसके घर तक उसका पीछा किया और होने का नाटक किया। एक पुलिसकर्मी, बूढ़ा व्यक्ति बहुत सतर्क था और वह दरवाजा नहीं खोलना चाहता था। रियान ने बूढ़े आदमी की उसकी अच्छी सुरक्षा के लिए प्रशंसा की और फिर कहा कि वह एक बीमा अधिकारी था। अभी वह बूढ़े व्यक्ति की सुरक्षा जागरूकता का परीक्षण कर रहा था। कंपनी के पास ऐसी गतिविधियां हैं जो बुजुर्गों को एक उच्च पेंशन दे सकती हैं और बुजुर्ग आखिरकार अपनी सावधानी बरतते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद रियान ने पुष्टि की कि वहां केवल बूढ़ा आदमी था और फिर एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाई दी। बूढ़े व्यक्ति ने पाया कि वह मानसिक रूप से असामान्य था और पुलिस को बुलाने के लिए पानी डालने का नाटक किया। रियान भाग गया और उसने वृद्ध व्यक्ति की गर्दन का गला घोंच दिया। बूढ़े को सांस लेने में कठिनाई हुई। शायद यह पहली बार था जब उसने मारने की पहल की थी। रियान को संकोच हुआ और उसने पाया कि उसने वृद्ध का गला नहीं घोंटा था। उनके दिल में बहुत आत्मदोष था और उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को पानी पिलाने की पहल की। बूढ़े आदमी ने राहत की सांस ली। रियान अचानक एक दानव में बदल गया। उसने बूढ़े व्यक्ति की गर्दन को अपने हाथों से चुटकी में दबा दिया। बूढ़ा मर गया। बाद में उसने बूढ़े के दिल में एक चाकू डाला। चित्र लेने के लिए दृश्य को साफ करें और लाश को कार से बांधें। रियान जल्दी से कोल्ड स्टोरेज में चला गया, केवल यह पता लगाने के लिए कि कार से उतरने के बाद सड़क पर खून के धब्बे थे। अब रियान पूरी तरह से आतंकित है। खून पुलिस को आकर्षित करेगा और जब सबूत निर्णायक होंगे तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। भगवान वास्तव में अनुचित है। जब आकाश में अचानक बारिश हुई, भारी बारिश ने खून को धो दिया। रियान ने अपना सिर उठाया और हंसते हुए कहा, भगवान मेरी मदद करना चाहते हैं। मुझे भगवान ने कला के इस काम को पूरा करने के लिए भेजा था। इसके बाद जो कहानी सामने आई, उसने रियान के बेहद अंधेरे दिल को दिखाया। थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल का अनुसरण करना चाहिए और मुझे मानव प्रकृति के अंधेरे का विश्लेषण करना चाहिए। रियान ने महसूस किया कि वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। जब उसकी हत्या की गई तो उसके पास थोड़ा जुनूनी बाध्यकारी विकार था। वह खुद को कैसे छिपा सकता था?
उन्होंने हर दिन दर्पण में विभिन्न अभिव्यक्तियों का अभ्यास किया, दूसरों के साथ मित्रतापूर्ण होने का ढोंग किया, लेकिन वे हर समय अपनी महान रचना को पूरा करना चाहते थे और उनकी कार्य पद्धति अधिक से अधिक निपुण हो गई। गंभीर जुनूनी बाध्यकारी विकार ने उन्हें परेशान कर दिया। सटीक रूप से सक्षम था, एक व्यक्ति को मारने का समय बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाता है। दृश्य को साफ करने की गति तेज और तेज हो रही है और मानसिकता अधिक से अधिक सुन हो गई है। कभी कभी वह हत्या के बाद ली गई तस्वीरों के प्रभाव से असंतुष्ट होता है। वे बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए फिर से पोज देने के लिए परेशानी उठाएगा। वह अजनबियों के खिलाफ अपराध करने से संतुष्ट नहीं है। उनकी एक नई प्रेमिका है और महिला दो बच्चों को लेती है। रयान का सौम्य और मिलनसार रवैया महिला को सुकून देता है और सोचता है कि उसने बच्चों के लिए एक अच्छा पिता पाया है। रयान सिंगल मदर और बच्चों को सरहद पर ले गया। रयान ने सबसे पहले धैर्य पूर्वक बच्चों को शूट और शिकार करना सिखाया। महिला ने बगल में मुस्कुराते हुए कहा, क्या सामंजस्यपूर्ण तस्वीर है। खतरा आ रहा था लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं था। रयान टावर पर चढ़ गया और दो बच्चों को निर्दयता से मार डाला। महिला अचानक से हुई घटना से घबरा गई। वह कांप गई और जोर से चिल्लाई। रयान ने असामान्य रूप से उसे मृत बच्चे को दोपहर के भोजन के लिए खिलाने के लिए कहा। महिला ने कहा, एक संख्या। वह समय था जब उसने महिला को भागने के लिए दिया, जिसके बाद रयान ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। अंत में रयान ने एक माँ और दो बच्चों परिवार के साथ अपनी सबसे संतोषजनक पेंटिंग बनाई।